नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह गीला स्वागत करता हूं आपका डागोर सैप पर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के टॉपिक को लेकर, और प्राइम मिनिस्टर के टॉपिक में अपन ने आर्टिकल 74 को लेकर चर्चा की, आर्टिकल 75 को पढ़ा, और अब आज चर्चा करेंगे अपन अनुच्छेद 77 को लेकर कि अनुच्छेद 77 में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तो पहला प्रोविजन क्या है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई मानी जाएगी। अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों कि देश की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, संघ की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। 74 क्या कहता है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद कार्य उन्हीं के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन वो कार्य किसके नाम से किए जाएंगे, देश के राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे दोस्तों। दूसरा, राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं। और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया है या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग इस बात को। तीसरा सबक्लोज क्या कहता है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्री में उत कार्य के लिए आवंटन के नियम बना सकता है। यहां से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, डायरेक्ट पूछ लिया गया आर्टिकल 77 को लेकर कि राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद के कार्य आवंटन के नियम निर्धारित किए जाते हैं से संबंधित अनुच्छेद है, तो इसमें आपका जवाब होना चाहिए अनुच्छेद 77 आर्टिकल 77। क्लियर। अनुच्छेद 78 अब क्या कहता है 78, उस चीज को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं अपन। 78 में कहा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य कि देश की शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार से हो रहा है, कौन से नए नियम कानून कायदे बनाए जा रहे हैं, सरकार किस स्तर पर काम कर रही है, विदेश नीति को लेकर क्या कार्य कर रही है, तमाम सारी जो बातें हैं उसके संदर्भ में जो रिपोर्ट देने का कार्य होगा वो प्रधानमंत्री का होगा और वो प्राइम मिनिस्टर का एक ड्यूटी होगा, और उसी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को लेकर इस अनुच्छेद 78 में उल्लेखित किया गया है दोस्तों। तो पहला क्या है, पहला कर्तव्य क्या बताया गया है कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करें कि जो भी प्रशासन से संबंधी जो भी कानून निर्माण के संदर्भ में मंत्रिपरिषद के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, जो कार्य किया गया है, उस संदर्भ में राष्ट्रपति को संसूचित करें। और राष्ट्रपति को इस बात की जानकारी देगा कौन, प्रधानमंत्री इस बात की जानकारी देगा दोस्तों। दूसरा, संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से तो देगा ही देगा, साथ में राष्ट्रपति समय समय पर अगर प्रशासन से संबंधित कानून नियमों से संबंधित अगर किसी प्रकार का संज्ञान, किसी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार की रिपोर्ट अगर प्रधानमंत्री से मांगता है तो वह प्रधानमंत्री को देनी होगी दोस्तों। तीसरा, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। दोस्तों कई बार होता है कि किसी एक मंत्री ने कोई अपनी बात रखी है किसी विषय को लेकर, लेकिन मंत्रिपरिषद उस पर विचार नहीं कर रही है, तो देश का राष्ट्रपति ये संज्ञान ले सकता है कि आखिर उस मंत्री ने पक्ष क्या रखा और मंत्रिपरिषद ने फिर उस पर विचार क्यों नहीं किया। तो इस बात का जो प्रावधान है वो दोस्तों 78 के तीसरे या फिर गय में किया गया है। इस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री के संदर्भ में दोस्तों जो चार आर्टिकल्स अपन ने पढ़े 74, 75, 77 और 78, इसके अलावा भी कुछ कंसेप्ट हैं जहां से बेसिक एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं तो वहां ऑब्जेक्टिव टाइम में तो नहीं, लेकिन अगर जो यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, जो आरएस के एस्पिरेंट हैं या फिर सब इंस्पेक्टर के जिनको इंटरव्यू फेस करने जाना है, वहां पर आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। दो प्रकार के कंसेप्ट बहुत पॉपुलर रहे हैं अब तक के संदर्भ में, अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो वो दो कंसेप्ट कौन से रहे हैं, एक तो रहा है किचन कैबिनेट, किचन कैबिनेट, और दूसरा रहा है शैडो कैबिनेट, किचन कैबिनेट और दूसरा है शैडो कैबिनेट।
किचन कैबिनेट का मतलब, किचन का मतलब रसोई, कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल, रसोई मंत्रिमंडल। आप लोगों को अभी हंसी आ रही होगी कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो, रसोई मंत्रिमंडल कैबिनेट, मंत्रिमंडल तो अच्छी बात है लेकिन ये रसोई मंत्रिमंडल क्या आ गया नया कंसेप्ट, कोई नई खोज हुई है क्या? दोस्तों नई खोज नहीं हुई है, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तब ये कंसेप्ट काफी पॉपुलर हुआ किचन कैबिनेट का। इंदिरा गांधी बेहद महत्वाकांक्षी, सुदृढ़ निर्णय लेने वाली, स्पष्ट निर्णय लेने वाली, स्पष्टवादी और कई मायनों में तो दोस्तों टू द पॉइंट बात करने वाली महिला थी। अपनी शासन व्यवस्था का संचालन करने का उनका एक अलग नजरिया था, एक अलग दृष्टिकोण था। वह समय समय पर अपने कैबिनेट के जो सदस्य थे, जो मंत्रीगण थे, खास मंत्रीगण थे, उनको, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को या फिर किसी विषय के विशेषज्ञों को अपने घर बुलाकर परामर्श किया करती थी, संबंधित मामले में परामर्श लिया करती थी, डिसीजन मेकिंग की बातें किया करती थी और कहीं ना कहीं उन सदस्यों की जो पहुंच थी वो इंदिरा गांधी के किचन तक थी। तो ऐसे लोगों का जो समूह था उसे किचन कैबिनेट कहा जाता है दोस्तों। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस किचन कैबिनेट के द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते, जो भी बातें होती थी, उन सारी बातों को मानने के लिए इंदिरा गांधी बाध्य थी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर बाध्य नहीं, अपने विवेक से निर्णय लेंगी लेकिन वो इनसे इस संदर्भ में विभिन्न प्रकार की परामर्श लिया करती थी, बातचीत उनसे किया करती थी। तो ये जो समूह होता था उसे किचन कैबिनेट कहा जाता है दोस्तों। दूसरा है शैडो कैबिनेट या छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल। अब छाया मंत्रिमंडल से क्या मतलब है, शैडो कैबिनेट से क्या मतलब है? दोस्तों छाया मंत्रिमंडल से मतलब है कि एक सरकार जब कार्य कर रही है तो विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के पैरेलल एक सरकार का निर्माण करना। आप कहेंगे सर कैसे विचित्र बातें कर रहे हो, इधर किचन कैबिनेट में और अब ये शैडो कैबिनेट, सरकार के पैरेलल सरकार कैसे चल सकती है? दोस्तों लीगली, कानूनी रूप से उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन सरकार के किसी मंत्री के द्वारा अगर कोई नई योजना पेश की जाती है तो विपक्ष के द्वारा ठीक उसी प्रकार के मंत्री को अपने पक्ष में रखा जाता है। पक्ष में रखने का मतलब है विपक्ष के ही किसी सदस्य को जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आपको सत्ता पक्ष के किसी मंत्री के द्वारा अगर कोई प्रपोजल लाया जाता है, कोई प्लान लाया जाता है तो उस संदर्भ में आपको भी अपना पक्ष रखना पड़ेगा। काउंटर अटैक कि सत्ता पक्ष ये कर रही है, देखिए हम विपक्ष में बैठे लेकिन हम इससे बेटर कर सकते थे। तो सरकार के पैरेलल चलने वाली जो दूसरी सरकार है, मंत्रिमंडल के पैरेलल चलने वाला जो दूसरी मंत्रिमंडल है उसे छाया मंत्रिमंडल के नाम से दोस्तों अपन जानते हैं। जन कल्याण इस छाया मंत्रिमंडल का मुख्य उद्देश्य होता है, सरकार की आलोचना इस छाया मंत्रिमंडल का मुख्य उद्देश्य होता है, सरकार को देश उन्मुखी, देश के हित में कानून बनाने के लिए प्रेरित करने वाला जो समूह है उसे अपन छाया मंत्रिमंडल कहते हैं दोस्तों। तो ये प्रमुख बातें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को लेकर। अब दोस्तों देश के प्रमुख प्रधानमंत्रियों के बारे में एक एक करके अपन डिटेल में चर्चा करते हैं, उनके कार्यकाल से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे गए हैं, उन तमाम बातों को लेकर अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले भारत के प्रधानमंत्री, और सबसे पहले बात करूंगा मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक ऐसा नाम जिससे आप सब लोग भली भांति परिचित हैं। पहले मोतीलाल नेहरू, जिनका स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान दोस्तों, जब संवैधानिक इतिहास की चर्चा मैंने आप लोगों के साथ की थी, संविधान का इतिहास मैंने आप लोगों के साथ साझा किया था, वहां पर भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि पंडित नेहरू का जो परिवार है वो भी पहले से ही स्वतंत्रता संघर्ष में लगा हुआ था। 1928 की जो नेहरू रिपोर्ट इन्हीं के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में अस्तित्व में आई थी। दोस्तों पंडित नेहरू को लेकर अपन बात करते हैं, वही पंडित नेहरू, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1947 से लेकर 1964 तक
मृत्यु पर्यंत टिल डेथ 27 मई 1964 तक देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 वर्ष देश के प्रधानमंत्री रहे। एक युग, बहुत बड़ा समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब इनके कार्यकाल को लेकर किस प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछे गए हैं, कौन से फैक्ट यहां से महत्वपूर्ण है, उन तमाम सारी बातों को लेकर दोस्तों अपन डिटेल में चर्चा करते हैं। पहला पंडित नेहरू और पंडित नेहरू का कार्यकाल 1947 से 1964। अगर थोड़ा बैकग्राउंड की चर्चा मैं आप लोगों के साथ करूं पंडित नेहरू की, तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट सामने आई जो इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रेजेंट की गई थी साइमन आयोग के विरोध में, जब चैलेंज कर दिया गया था कि भारतीयों, या तो तुम लोग इंडियंस या तो तुम लोग जो संविधान ब्रिटिश शासन कंपनी के द्वारा बनाकर पेश किया जाता है उसके हिसाब से संचालित हो जाओ, या फिर तुम्हारी अगर औकात है तो संविधान बनाकर दिखाओ। और वो तमाम सारी बातें अपन ने पीछे डिस्कस कर चुके हैं अपन संविधानी विकास में। फिर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे नेहरू समिति नाम दिया गया, और फाइनली फिर अगस्त 1928 में उस समिति के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई जिसे अपन नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। वो पीछे की कहानी। पंडित नेहरू के संदर्भ में मैं बात करूं तो दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है दोस्तों लाहौर में, और इस लाहौर के अधिवेशन की पहली बार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन की पहली बार पंडित नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। इस दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पंडित नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पेश किया जाता है। साथ में इस बात की घोषणा की जाती है कि प्रति वर्ष 26 जनवरी का जो दिन है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बातें कर चुके हैं अपन, वापस रिवाइज करवा रहा हूं मैं आप लोगों को। और फिर पहली बार 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया, और 26 जनवरी के स्वतंत्रता दिवस तब तक मनाया गया जब तक कि हम आजाद नहीं हो गए, और जब 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए तो फिर 1948 से हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी को ना मनाया जाकर 15 अगस्त को मनाया जाने लगा। और फिर इस 26 जनवरी की तिथि को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए, या फिर इस तिथि का ऐतिहासिक महत्व बनाए रखने के लिए देश का संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर को लागू किया गया, और फिर पूर्ण रूप से देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और फिर हम इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ये सारी बातें पंडित नेहरू के द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की गई। संविधान सभा की मांग दोस्तों इन्हीं पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया, और फाइनली फिर 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना को स्वीकार किया गया संविधान सभा के द्वारा। यह प्रस्तावना भारतीय पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था वही भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार माना जाता है दोस्तों। क्लियर। देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री। और क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका दोस्तों, 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक देश का संविधान लागू नहीं हो गया 26 जनवरी 1950 तक, तब तक दो गवर्नर जनरलों ने इनके साथ कार्य किया। एक आपके लॉर्ड माउंटबेटन और दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
क्लियर। पंडित नेहरू चूंकि 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो गए थे, लेकिन अभी तक हम गणतंत्र नहीं हुए थे, हमारे देश का संविधान लागू नहीं हुआ था अब तक, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक पंडित नेहरू ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज सिक्स के प्रधानमंत्री रहे, जॉर्ज सिक्स के प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू, और अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन जहां से बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, पंडित नेहरू को भारतीय विदेश नीति का, फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहा जाता है पंडित नेहरू को। और दोस्तों पंडित नेहरू गुट निरपेक्षता के समर्थक थे। अब गुट निरपेक्षता से क्या मतलब है, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ और 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई, पूरा विश्व समुदाय दो गुटों में बढ़ चुका था। एक गुट था पूंजीवादी समर्थित संयुक्त राज्य अमेरिका का और दूसरा गुट था समाजवादी समर्थित सोवियत संघ का। नया नए हम लोग आजाद हुए थे, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। पंडित नेहरू के सामने सबसे बड़ा संकट था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जाए या फिर सोवियत संघ के साथ जाए, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने तो ये ओपन चैलेंज कर दिया था कि जो हमारे साथ नहीं वह हमारा दुश्मन। कहने का मतलब है अगर भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जाता है तो कहीं ना कहीं सोवियत संघ का दुश्मन हो जाएगा, और अगर सोवियत संघ के साथ जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका की दुश्मनी। तो पंडित नेहरू ने कहा कि हम ना अमेरिका के साथ जा रहे हैं ना सोवियत संघ के साथ जा रहे हैं, हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं है, हम गुट निरपेक्षता का पालन करेंगे। आगे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पंडित नेहरू ने 1953 में पंचशील का सिद्धांत दिया चाउएनलाई के साथ मिलकर। पंचशील के सिद्धांत का मतलब है किसी दूसरे देश पर हम लोग आक्रमण नहीं करेंगे, किसी दूसरे देश की जो संप्रभुता है, एकता अखंडता है, उसको बाधित नहीं करेंगे। अगर दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो हम उसको मीडिएटर बनकर, हम उसको मध्यस्थ बनकर बातचीत से उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। किसी की विदेश नीति में अनावश्यक हम हमारा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो पंचशील के सिद्धांत की जो प्रणेता है वो भी पंडित नेहरू है। और दोस्तों पंडित नेहरू के द्वारा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। पंडित नेहरू के द्वारा ही 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन, जिसे आजकल 1 जनवरी 2015 से मोदी जी के द्वारा नीति आयोग बना दिया गया है। पंडित नेहरू के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के साथ पंचायती राज का गठन किया। दोस्तों भारत की जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है, जिसे अपन मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, समाजवादी और पूंजीवादी का मिश्रण, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था पंडित नेहरू की ही देन मानी जाती है। पंडित नेहरू के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो पंडित नेहरू को फूलों को बड़ा शौक था। गुलाब का फूल अक्सर उनकी जेब में ही, आप लोगों ने खैर प्रत्यक्ष लिए तो ना आपने देखा ना मैंने देखा, लेकिन फोटोज में देखा होगा आप लोगों ने कि गुलाब का फूल हमेशा उनके साथ ही रहता था। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि पंडित नेहरू का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा था, पंडित नेहरू कहाँ से चुनाव लड़कर आते थे, बताइए दोस्तों। दोस्तों पंडित नेहरू फूलपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़कर आते थे। उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा था, फूलपुर। अब दोस्तों एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है, पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण पुस्तक बहुत बार यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों,
तो महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। भारत की खोज। दोस्तों, पद पर रहते हुए ही 27 मई 1964 पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इससे पहले का किस्सा अगर मैं आप लोगों के साथ बताऊं तो 1962 में चीन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी नेफा के विवाद को लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। गौर करने वाली बात है कि जब 1949 में जब चाइना अस्तित्व में आया था तो सबसे ज्यादा समर्थन भारत ने दिया था, और अक्सर पंडित नेहरू तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया करते थे। नेहरू को तो शोक लगा, क्या चाइना भी ऐसा कर सकता है क्या? और आक्रमण करने के बाद भी पंडित नेहरू का स्टैंड इतना स्ट्रिक्ट नहीं था, उनको विश्वास नहीं था इस बात का कि यार चाइना भी ऐसा कर सकता है क्या, जिसके चलते तत्कालीन जो देश के राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके और पंडित नेहरू के बीच में विवाद भी हुआ कि नेहरू आपका ये स्टैंड नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इसी सदमे की वजह से फिर 27 मई 1964 को पंडित नेहरू की मृत्यु हो गई। आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि इसी 1962 के भारत चाइना युद्ध के समय भारत में 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया गया, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का देहावसान हो गया। जैसे ही पंडित नेहरू की मृत्यु हुई तो पूरा देश स्तब्ध था। स्तब्ध हो भी क्यों ना हो, क्योंकि पंडित नेहरू देश के सर्वाधिक अवधि तक प्रधानमंत्री रहे, लगभग 17 वर्ष, 16 वर्ष 286 दिन। एक युग का अंत हो गया जिसे नेहरू युग के नाम से जाना जाता है। ना केवल भारत बल्कि पूरा विश्व समुदाय स्तब्ध, क्योंकि लंबे समय तक एक ऐसे नेता को देखा था जिसने शानदार तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति को मेंटेन किया था, शानदार तरीके से हिंदुस्तान की राजनीति का संचालन किया था। पंडित नेहरू की मृत्यु के साथ ही राजनीति के गलियारों में यह सुगबुगाहट शुरू हो गई कि अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, अब कौन, अब देश का प्रधानमंत्री कौन। मुरारजी देसाई वही थे, और दोस्तों मुरारजी देसाई पंडित नेहरू के बाद नंबर 2 माने जाते थे, नंबर 2 माने जाते थे। जाहिर सी बात है, मुरारजी देसाई अपने आप को पंडित नेहरू के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री मानते थे। बहरहाल गुलजारी लाल नंदा, GL नंदा, एक उनका साझा करता हूं मैं आपके साथ। GL नंदा 1964 से 1964 तक देश के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। लेकिन कार्यवाहक प्रधानमंत्री से तो काम नहीं चलने वाला था दोस्तों। उस वक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो सबसे ताकतवर आदमी हुआ करता था पंडित नेहरू के बाद, कांग्रेस अध्यक्ष भी थे वो उस वक्त, के कामराज। के कामराज राजनीति में बहुत अनुभवी थे और तमिलनाडु के 9 वर्ष तक मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। के कामराज ने सोचा कि अगर मुरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया गया तो अपनी मनमर्जी से शासन व्यवस्था का संचालन करेंगे, हो सकता है मुझे भी दरकिनार कर दें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि मुरारजी देसाई को तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। तो फिर लोगों ने कहा कि फिर किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा दोस्तों? फिर लाल बहादुर शास्त्री,
को सर्वसम्मति से देश का अगला प्रधानमंत्री चुन लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक बेहद सिंपल, साधारण लेकिन उच्चतम व्यक्तित्व के धनी, डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए लेकिन बेहद शानदार व्यक्तित्व, जिसमें एक दाग उनकी व्यक्तित्व पे नहीं कहा जा सकता, ऐसे व्यक्ति को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाया गया। पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी एकमत थी कि ठीक है, शास्त्री जी बेस्ट हैं, किसी ने अपोज भी नहीं किया, किसी ने विरोध भी नहीं किया। लेकिन इनके कार्यकाल के संदर्भ में अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो 1964 से लेकर 1966 तक इनका कार्यकाल रहा, 11 जनवरी 1966 तक, जून 1964 से ये प्रधानमंत्री बने थे। जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, कुछ ही समय बीता था कि गुजरात, कच्छ, कच्छ का रण, रण ऑफ कच्छ, कच्छ का रण, गुजरात के विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूट हो गया और लाल बहादुर शास्त्री जी ने उस वक्त बेहद शानदार नारा दिया एक, और वो नारा क्या था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। जोश आ गया जवानों को भी, और देश के जो किसान परेशान थे, पीड़ित थे, उनको भी लगा कि हाँ, हमारे लिए सोचने वाला भी कोई देश का प्रधानमंत्री आया है। दोस्तों, इस नारे के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो आगे जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसमें एक और नया शब्द जोड़ दिया गया, और वो था जय विज्ञान। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा में इसमें एक और नया शब्द जोड़ा गया, जिसे कहा जाता है जय अनुसंधान, जय अनुसंधान। तो अब ये कंप्लीट नारा हो गया है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान। दोस्तों, इस युद्ध के बाद यूएसएसआर की मध्यस्थता से, सोवियत संघ की मध्यस्थता से ताशकंद समझौता होता है, ताशकंद समझौता। उज्बेकिस्तान में है ताशकंद अभी वर्तमान में। इस ताशकंद समझौते में भाग लेने के लिए जाते हैं भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, और पाकिस्तान की तरफ से भाग लेने के लिए जाते हैं जनरल अयूब खान। अयूब खान के नाम से तो आप लोग परिचित होंगे, भाग मिल्खा भाग मूवी आप लोगों ने देखी होगी, फरहान अख्तर की, और मिल्खा सिंह जी के नाम से भी तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे, जिन्होंने देश को ओलंपिक की दुनिया में एक नया स्थान दिलवाया था, कॉमनवेल्थ की दुनिया में एक नया स्थान दिलाया था। इस मूवी में जब एंडिंग पर ये मूवी होती है, और मिल्खा सिंह जी जब अपनी जिंदगी की अंतिम दौड़ दौड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, और वहां पर जब वो फाइनल रेस जीतते हैं, तो उनको पुरस्कृत करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए तत्कालीन पाकिस्तान के राष्ट्रपति जो जनरल अयूब खान थे उस वक्त, वो आते हैं और वो मिल्खा सिंह से एक बात कहते हैं, मिल्खा सिंह जी से एक बात कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि बेटा, मैंने आज तक किसी इंसान को ऐसे दौड़ते हुए नहीं देखा, आप दौड़े नहीं, आप उड़े हो, और आज पूरा पाकिस्तान आपको फ्लाइंग सिख का टाइटल देते हुए बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहा है, वही अयूब खान। तो दोस्तों, शास्त्री जी और अयूब खान के बीच ताशकंद समझौता होता है, शाम को एक शानदार डिनर पार्टी का आयोजन किया जाता है जिसमें दोनों पक्षों के लोग शामिल होते हैं, और पार्टी के बाद सब लोग सोने चले जाते हैं। मध्य रात्रि को इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री में फोन आता है, विदेश मंत्रालय में फोन आता है कि शास्त्री जी इज नो मोर,
देश स्तब्ध कि यार ये हो क्या रहा है। पूरा विश्व समुदाय भयंकर तरीके से त्रस्त कि यार ये चल क्या रहा है। और आधिकारिक सूत्रों ने ये रिपोर्ट दी कि शास्त्री जी को हृदय की बीमारी थी, हार्ट की प्रॉब्लम थी और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मौत हो गई। हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन जो आधिकारिक बातें केवल अपने को उसी पे फोकस करना है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो सोवियत संघ की जो खुफिया एजेंसी है KGB, उसके द्वारा ही शास्त्री जी की हत्या करवा दी गई, क्योंकि शास्त्री जी अपने राष्ट्र हितों के साथ कभी भी किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करना चाहते थे और KGB चाहती थी कि वो किसी प्रकार का कोई समझौता करें। और जब मना कर दिया लाल बहादुर शास्त्री ने, तो इन्हीं KGB के द्वारा कोई पॉइजन देकर के कोई तमाम सारी बातें, हालांकि आधिकारिक कोई इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी किदवंतियाँ सुनने को मिलती हैं दोस्तों, वो अपने डिबेट का इश्यू भी नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है। विदेश में मृत्यु होने वाले एकमात्र देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। और एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि 1967 में जो हरित क्रांति हुई भारत में, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई खाद्यान्न के क्षेत्र में, जिसका उद्देश्य था खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, टू गेन सेल्फ डिपेंडेंसी इन द सेक्टर ऑफ फूड, वह हरित क्रांति की जो प्रेरणा स्रोत हैं वो लाल बहादुर शास्त्री को ही माना जाता है दोस्तों। MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में यह हरित क्रांति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस हरित क्रांति के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो लाल बहादुर शास्त्री ही माने जाते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, वापस से वही क्वेश्चन की अब देश का अगला प्रधानमंत्री कौन। गुलजार लाल नंदा को फिर देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है दोस्तों। गुलजार लाल नंदा को दोबारा देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन गुलजार लाल नंदा के बाद अगला प्रधानमंत्री कौन? के कामराज उस वक्त भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनके माइंड में थी, क्योंकि मोरारजी देसाई फिर अपना दावा ठोक चुके थे कि अब तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी चले गए, अब तो अगला नंबर मेरा ही है। लेकिन मोरारजी देसाई के माइंड में कुछ और ही बात थी। उन्होंने मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, फिर मोरारजी देसाई ने किसको प्रधानमंत्री बनाया, इसके बारे में अपन बात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी जो स्टडीज हैं उनको एक नए आयाम स्थापित कीजिए, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग फाइनली सेलेक्ट होकर अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।